नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूँ रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूँ भुवन शर्मा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, उन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपके आवाज। तो एक तरफ सरकार प्रदेश को शिक्षा हब बनाने का दावा करती है, लेकिन प्रदेश में छात्रों की हालत ये है कि इन्हें पढ़ाई छोड़ सड़कों पर उतरना पड़ता है। बात चाहे पूरे प्रदेश की करें, सिरसा की हो, मंडी डबवाली की हो, हर जगह छात्रों को प्रशासन से लड़ना पड़ रहा है। ये छात्र पढ़ाई छोड़ सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि शिक्षा के हब का दावा करने वाले प्रदेश में आखिर छात्र आंदोलन के लिए क्यों मजबूर है। बिल्कुल, जिन छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए, जिन छात्रों का मतलब सिर्फ किताबों से होता है, शिक्षा से होता है, वो अब प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएं तो क्या तस्वीर बनती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी डबवाली के हालात हो या फिर सिरसा के, कमोवेश एक ही स्थिति दोनों जगहों पर देखी जा रही। स्कूल के गेट पर ताला झड़ दिया जाता है, छात्र सड़क पर उतर आते हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। आखिर पढ़ाई की जगह लड़ाई के लिए क्यों मजबूर है छात्र, ये सवाल आज हमने हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। जर्जर हालत से, चाहे बात इमारत की करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की करें, या फिर शिक्षा के स्तर की करें, शिक्षकों की करें, हर मोर्चे पर छात्रों को परेशानी हो रही है। हर मोर्चे पर यहाँ पर खामियां जो हैं वो नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ सीएम जो कि प्रदेश के मुखिया है, उस प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं मेरा सपना पूरा हो गया है, मैंने शिक्षा का हब बनाने का सपना जो सोचा हुआ था वो पूरा हो गया, लेकिन मंडी डबवाली और सिरसा से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बहादुरगढ़ से हमारे पहले कॉलर विनोद जुड़ रहे हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय है आज के इस पूरे मुद्दे पर। अभी नमस्कार जी। जी नमस्कार विनोद जी, बताएं। मेरा मैडम ये मानना है कि जो आज ये प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर जो है गिरता जा रहा है, इसका मेन कारण ये है कि जो छात्रों की मांगे हैं, जो उनको जो सुविधाएं प्रदेश सरकार को या हमारे प्रशासन को देनी चाहिए वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए छात्रों की मजबूरी है कि वो ये अपना जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया हुआ है वो कमियों के कारण, क्योंकि छात्रों की जो सुविधाएं वो उनको नहीं मिल पा रही है। इसलिए सरकार को और प्रदेश सरकार को ये सोचना चाहिए कि शिक्षा के स्तर में इतना आज शिक्षा का स्तर ऊंचा होते हुए भी कहीं ना कहीं कमियां जरूर हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमियां जरूर हैं, स्कूल की जर्जर हालत हो या फिर पुलिस का रवैया, दोनों ही तरीके से, दोनों ही तरफ से छात्र जो है परेशान है और नाराज भी है, इसीलिए आज सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर पढ़ाई छोड़ लड़ाई करने पर क्यों मजबूर है। और कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी का जो मुद्दा हमारे पहले सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय है आपकी। राय यही है कि जो सरकार फिलहाल नहीं, जो हरियाणा में जो सरकार चल रही है, ये बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहती और बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती। ये सिर्फ पब्लिक को वोटों के लिए यूज करना चाहती है, सिर्फ लोग वोट ही डालते रहे, अनपढ़ रहे, सड़कों पर भटकते रहे, हमारे पीछे पीछे रहे। ये
बिल्कुल चलिए सुभाष, बहुत शुक्रिया आपका इस वायकॉम से साझा करने के लिए। तो भुवन सरकार के खिलाफ साफ तौर पर आक्रोश की सरकार नहीं चाहती कि ये प्रदेश शिक्षा का हब बने, हालांकि बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं और उन्हीं दावों और वायदों के आधार पर वोट भी बटोरे जाते हैं, लेकिन एक समय गुजर जाने के बाद जो वोट बैंक होता है उसको दरकिनार कर दिया जाता है और शायद ये वजह है कि प्रदेश में आज ऐसी तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है कि छात्रों को पढ़ाई की जगह लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी हाँ, सवाल और मुद्दा इसलिए भी अहम हो चला है क्योंकि शिक्षा को लेकर मौजूदा सरकार ये दावा करती है कि हमने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया है, शिक्षा का हब बना दिया है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करें। शमशेर रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर जी नमस्कार। नमस्ते जी, बताएं सर। अभी मेरा ये समझ में नहीं आता कैसी सरकारें हैं, कोई भी समस्या लोग उठाते हैं तो उसका विश्वास में लेके फौरन समाधान होना चाहिए। ये और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है, अभी छात्रों के लिए इलेक्शन में यूनिवर्सिटीज में छात्र संगठन नहीं होने चाहिए। ये छात्रों का जो माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से छात्रों को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं और फिर राजनीतिक दल उनका भेजा इस्तेमाल करते हैं और उनका करियर बर्बाद करते हैं, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाते हैं, इसलिए राजनीति ये छात्र संगठन नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। धन्यवाद जी। चलिए शुक्रिया आपका शमशेर राय कौन से साझा। छात्र जो है कक्षाओं में ना होकर सड़क पर होते हैं और किताबें ना होकर
दावों के बीच आखिर छात्र छात्राओं को पढ़ाई की जगह लड़ाई के लिए आंदोलन के लिए क्यों होना पड़ रहा है मजबूर, यही हमारा आज का सवाल। फोन उठा हमें बताएं क्या है आपकी अपनी राय, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस खुली हैं और आपसे अनुरोध भी है कि जब भी आप हमारे साथ जुड़े अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि बेहतर संवाद आपकी और हमारे बीच स्थापित हो सके और आपकी आवाज बेहतर तरीके से स्टूडियो तक पहुंच पाए। जिस तरीके से आज का मुद्दा हमने उठाया हुआ है शिक्षा को लेकर, प्रदेश सरकार एक और शिक्षा का हब बनाने का दावा करती है, ये ताल ठोकती है कि हमने शिक्षा का हब प्रदेश को बना दिया है, शिक्षा में नंबर वन हो गया है सुबह। लेकिन सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, एक तरफ कॉलेज के गेट पर ताला जड़ा है, दूसरी तरफ जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, वो अब सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा और अहम हो जाता है। बात चाहे सिरसा की कर लें, मंडी डबवाली की कर लें, इन दोनों जगहों का खास तौर पर हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक तरफ सिरसा में जहाँ अपनी मांगों को लेकर छात्राएं कुछ दिनों पहले जब सड़क पर उतरी थी उन पर लाठीचार्ज तक किया गया था, लेकिन बावजूद उनके उनका जो मांग थी उनकी जो मांग थी वो जायज मांगे भी पूरी नहीं की गई और ये वजह कि अब इन छात्राओं ने महिला विंग्स पे ताला जड़ दिया है। मंडी डबवाली की बात करते हैं, यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं छात्र। पुलिस पर छात्र को चलती बस से फेंकने का आरोप और ऐसी ही कुछ वजहों को लेकर अभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने का दावा करने वाली सरकार अब कहाँ सो रही है। सुरेंद्र हमारे साथ पलवल से हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, आपका बहुत बताएं सर क्या राय है चलाने के लिए जी। ये वाकई एक बहुत ऐसा अहम मुद्दा आपने उठाया है कि अक्सर ये कई साल से देखने को आ रहा है, 3-4 साल से हो जाते हैं और कई बार तो बच्चों का एक साल जो है वो बर्बाद हो जाता है क्योंकि उन्हें कहीं और जगह चौक सेक्टर 34 प्लॉट नंबर 34 गुड़गांव हरियाणा। श्री बाबा तारा कुटिया द्वारा आयोजित राधा स्वरूप बालिका जया किशोरी जी द्वारा नानी बाई को मायरो दिनांक 19-20-21 सितंबर शाम 3 बजे से 6 बजे तक, स्थान ताकेश्वरम धाम रानिया रोड सिरसा। इस शुभ अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक ही नूर से नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि सादी भाई पंडित काजी
बार फिर से स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। जी हाँ, बात शिक्षा के विडंबना देखिए कि इन सबके बीच प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री अपने ये बात करते हैं कि प्रदेश शिक्षा का हब बन चुका है, शिक्षा में नंबर वन प्रदेश हो गया है। रघुवीर जोशी हमारे रेगुलर कॉलर नारनौल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुवीर जोशी जी नमस्कार। हेलो जी सर, बताएं। हाँ जी, मैं नारनौल से रघुवीर जोशी निवेदन कर रहा हूँ साहब। जी सर बताएं। मेरा निवेदन तो ये है कि हरियाणा सरकार ने छात्रों को ही और छात्राओं को ही झूठे आश्वासन नहीं दिए, इन पर बड़े मौकों पर जो है इनके ऊपर क्रूरता से पुलिस ने बर्बरता से व्यवहार किया है। इनकी जायज मांगों को जो है सरकार नहीं सुनना चाहती, ये गलत बात है। और प्रदेश के हर वर्ग को झूठा आश्वासन दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर वन है। सरकार और साहब हमें तो देखना चाहिए कि आने वाले चुनाव में जो है हरियाणा सरकार को इसका फल भोगना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई जो है लोगों को झूठा आश्वासन ना दे, सरकार ऐसी चुने कि भाई जो है ईमानदारी से। बहुत शुक्रिया रघुवीर जी। तुम्हारे रेगुलर कॉलर रघुवीर जोशी ने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि ना सिर्फ छात्रों को बल्कि आम जनता को भी कुछ इसी तरह के झूठे आश्वासनों का जो खेल है वो उसकी सच्चाई देखनी पड़ती है। कमोपेश अगर छात्रों की बात करते हैं, कहीं छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, कहीं उनकी मांगों को दबा लिया जाता है, कहीं कॉलेज प्रशासन की मनमानी सामने आती है। ऐसे में प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने वाली सरकार के ये दावे साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारा आज का सवाल, क्यों पढ़ाई की जगह लड़ाई के लिए छात्रों को मजबूर होना पड़ रहा है। फोन उठाएं, हमें बताएं, नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और एक जन अपील भी आपसे करना चाहेंगे कि जब आप हमें कॉल करें अपने टीवी का जो वॉल्यूम है कृपया उसे कम करें। विकास हमारे साथ जुड़ गए पलवल से। विकास जी नमस्कार।
पाएगी। कांडा सरकार ही युवाओं को सम्मान दे सकती है। अब की बार की सरकार मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर, इस बार तो कांग्रेस की जमानत ही जब्त होनी चाहिए। चले बहुत शुक्रिया करण आपका इस राय को साझा करने के लिए। रामेश्वर हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी बहुत स्वागत है आपका, बताए सर। दिखाई देता है, छात्र इसी वजह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। इसी के साथ हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।